हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। अभी तक हमने क्या देखा था, पहले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन जाना था, कॉमन डिफरेंस डी के बारे में जाना था और एपी कैसे फॉर्म करती है उसके बारे में जाना था। उसी पे बेस हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 5.1 की। सारे क्वेश्चन हम टू द पॉइंट करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिससे ये इसमें आसानी होगी समझने में। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, उसको रीड करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी। कह रहा है नीचे जो सिचुएशन दी गई है चार, उनमें से आपको देख के बताना है कि जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं उस सिचुएशन को फॉर्म करने में, क्या वो एपी फॉर्म करेंगे। अगर एपी फॉर्म करेंगे तो क्यों। पहली सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टैक्सी का किराया है पहले एक किलोमीटर का 15 रुपये है, एक किलोमीटर के लिए चार्ज कितना करता है 15 रुपये, और उसके बाद जितने एडिशनल किलोमीटर जाते हैं 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जाता है। तो क्या ये जो सिचुएशन बनेगी क्या वो एपी होगी। देखिए, फेयर द टैक्सी फेयर फॉर टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज करती है 15 रुपए, 15 रुपए फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर वो टैक्सी 2 किलोमीटर तक गई तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए चार्ज कर रही है, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगी तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 23 रुपीज। इसी तरह अगर टैक्सी का फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए क्या, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये चार्ज कर रही है, फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपये, थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तो क्या हो जाएगा 23 + 8 ऐड कर देंगे 31 रुपीज, ये हो जाएगा। ऐसे करके सिचुएशन जो बनेगी, ये सिचुएशन में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हुए, 15, 23 और 31, ये नंबर है। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो एपी फॉर्म करने के लिए हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, डिफरेंस चेक करना है। 15 और 13 का डिफरेंस, 23 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है, 23 और 31 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस कंटिन्यू होता चला जाएगा, इसका मतलब दिस इज एन एपी। एपी क्यों है ये भी बताना है, बिकॉज द डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये एपी फॉर्म करेगी। हमने सीखा क्या था पहले, कि अगर कोई भी सीरीज एपी फॉर्म करती है तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है हमेशा अगर सेम आता है तो वो एपी फॉर्म करती है। इसका मतलब ये सिचुएशन क्या होगी, एपी फॉर्म करेगी। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब इसके सेकंड कंडीशन पे, सेकंड सिचुएशन पर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, सेकंड इसका पार्ट है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरा है। कह रहा है एक वैक्यूम पंप प्रेस करने पे 1/4 एयर उसमें से रिमूव हो जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे क्या वो एक एपी फॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। इसका सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमने सिलेंडर में लेट द वॉल्यूम, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम मान लेते हैं 64 लीटर। हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 64 क्यों मान रहे हैं, ये हमें आगे कंफर्म हो जाएगा। हम ऐसा वॉल्यूम मानेंगे कि जो फोर्थ का डिविजिबल हो, फोर्थ से कट पाए।
अगर 4 से कट रहा होगा तो इसका मतलब इसमें से 1/4 रिमूव कर सकते हैं। अगर 4 से कटने वाली संख्या लेंगे तभी इसको रिमूव कर सकते हैं। अब फर्स्ट बार, फर्स्ट टाइम एयर रिमेन, पहले क्या हो रहा है 1/4 इसका निकल जा रहा है, 64 का 1/4 निकल गया। 64 का 1/4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 16 4 जा 24, मतलब 16 लीटर एयर पहली बार भी निकल जा रहा है। तो मतलब 64 में से 16 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 8, और 5 में से बन गया 4, 48 लीटर। अब 48 लीटर बचा, फिर से पंप प्रेस करेंगे, फिर सेकेंड टाइम क्या होगा 1/4 फिर एयर रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिलेंडर में कितना है, हमारे पास सिलेंडर में केवल 48 लीटर एयर है। तो 48 का 1/4 रिमूव करेंगे, 1/4 क्या होता है 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 12 लीटर इसमें से माइनस करना है। अब 48 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 6 और ये 3, 36 लीटर हमारे पास अब एयर प्रेजेंट है। ऐसे सिचुएशन चलती रहेगी जितनी बार पंप प्रेस करेंगे, इसीलिए हमने 64 लिया था, ऐसा कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए, इसीलिए 1/4 करने पे एक नंबर आना चाहिए जो माइनस करने में आसानी हो। हम यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते थे, वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमने खुद से एयर अपने से एज्यूम कर लिया। अब देखते हैं 64 पहले एयर था, फिर सेकेंड टाइम क्या बचा 48, फिर थर्ड टाइम बचा 36, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। अब डिफरेंस चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस माइनस करेंगे 16 आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12 का है। तो हमारे पास डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस 16 का था, अब 12 का हो गया है। तो क्या डिफरेंस सेम है, एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसके वजह से ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन रीड करिए, हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द रेज बाई 50 फॉर द ईच सबसिक्वेंट मीटर्स। कह रहा है एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोजा जा रहा है, मान लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है, अगर एक मीटर पहला एक मीटर अगर उसको गड्ढे में डिगिंग करने में चार्ज क्या लग रहा है 150 मीटर, फिर उसके बाद एक मीटर जा रहे हैं तो 50 रुपये ही देने पड़ रहा है, मतलब पहले वाले के लिए 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं, सेकेंड बार जो एक मीटर गड्ढा हो रहा है उसके लिए 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, फिर अगला जो एक मीटर होगा 50 रुपये, ऐसे ही गड्ढा खोदते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, इस तरह जो इन्वॉल्व होंगे नंबर देखना है क्या वो एपी फॉर्म करेगा कि नहीं। तो पहले हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ, ये क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर करने के लिए फर्स्ट के लिए एक मीटर के लिए चार्ज क्या है 150 रुपये, फिर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एक मीटर के लिए चार्ज 150 है, अगले 1 मीटर के लिए क्या चार्ज होगा 50 रुपये। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा 200, पहले मीटर के लिए चार्ज 150, फिर अगले 1 मीटर के लिए चार्ज 50 है, तो 2 मीटर में तो 2 मीटर आएगा, एक बार एक मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये। इसी तरह अगर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 3 मीटर, अगर 3 मीटर के लिए 150 पहले लेंगे, फिर 50 रुपये लेंगे, फिर 50 रुपये लेगा, तो इसके मतलब ऐड करेंगे 200 200 प्लस 50, मतलब 250 रुपये, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस में नंबर क्या इन्वॉल्व हुए, पहला आया क्या 150, सेकंड क्या आया 200, फिर थर्ड 250,
ऐसे जो नंबर बन रहा है सीरीज, अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है? 50 रुपीज़। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 50। इसका मतलब हमेशा डिफरेंस क्या है? सेम है। और जब डिफरेंस सेम हो तो क्या करता है, ये नंबर एपी में होता है। दिस सीरीज इन एपी, दिस सीरीज इज इन एपी। और एपी में क्यों है? बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस इज सेम। सेम होने की वजह से क्या है, ये एपी में। अब फर्स्ट क्वेश्चन का बस आखिरी पार्ट बचा है, वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम। कह रहा है एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, जिसमें हमने क्या अमाउंट जमा की है, 10,000 रुपीज़ जमा की है, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ रहा है, मनी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कह रहा है ऐसे में जो पर ईयर हमारे पास जो मनी मिल रही है वो कितनी होगी और वो किस फॉर्म में होगी, एपी के फॉर्म में होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ चेक करना है। आइए चेक करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम, ये होता है। अगर पहले ईयर के लिए ले रहे हैं तो पहले ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 वन प्लस आर, आर की वैल्यू है 8 अपॉन 100 की पावर टी, पहले ईयर के लिए टी की वैल्यू 1 एक साल के लिए, फिर कॉमा, सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 10,000 वन प्लस, फॉर्मूले में रखेंगे आर की वैल्यू क्या है, 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, रेट 8% दिया है, 8% के हिसाब से हमेशा बढ़ रहा है, और टी की वैल्यू क्या है, 2। इसी तरह प्रोसेस ये आगे चलता रहेगा। एक और वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10,000 वन प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। अब देखिए अगर इसको करेंगे सॉल्व, 10,000 आएगा और ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 1 में, 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, ये पावर 1 था इसलिए 1 टाइम्स, फिर कॉमा 10,000 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 108 और पावर क्या है, 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। पावर 3 है तो 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, ऐसे ये चलता रहेगा प्रोसेस। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस कभी सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी। और एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 108 वन टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। अगर माइनस करके भी चेक करेंगे अलग अलग तो भी ये डिफरेंस कभी इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये एपी फॉर्म ही नहीं करेगा। और क्यों नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस इक्वल ही नहीं आएगा, बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर ये आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे, प्रोसेस कॉन्सेप्ट सीखते हुए जो अभी तक सीखा है हमने उस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के भी। इसके बाद टाइम बचेगा, हम आरडी के भी क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद आपके सारे चैप्टर होंगे। इसीलिए इस चैनल को ज़रूर से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपके पास वीडियो जाती रहे। थैंक यू।